हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि सीएसआईआर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे अपडेट किया है। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप किसी भी टाइप के वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो चलिए हम देख लेते हैं ट्विटर अकाउंट सीएसआईआर का, जहाँ पे उसने जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन या हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन अपडेट किया है। तो उसके लिए आप डायरेक्टली, अगर आपके पास ट्विटर का अकाउंट है तो आप ट्विटर डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं गूगल में। टाइप करने के बाद जो ट्विटर की जो डिफरेंट वेबसाइट है वो ओपन हो जाएंगी, तो आपको जाना है twitter.com पे, जहां पे आपको लॉग इन करना है। यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका ट्विटर अकाउंट होगा वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है सीएसआईआर का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, जो कि है HRDGCSIR। आपको टाइप करना है HRDGCSIR, जो कि राइट हैंड साइड पे सबसे टॉप पे आपको मिलेगा सर्च इंजन, वहां पे आपको टाइप करना है HRDGCSIR। अब जैसे ये टाइप करेंगे तो ट्विटर का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए, ये जो ऑफिशियल अकाउंट है CSIR HRDG का, तो इसके लिए आप जैसे ही आप इस पे जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जितने भी ट्विटर जितने भी CSIR से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे सब दिखेगी। देखिए, इन्होंने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी, जैसे कि HRDG रिसीविंग सम ट्वीट विद रिगार्ड टू फेलोशिप पेमेंट, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू यूज फेलोशिप बिल, ऐसे करके इन्होंने कि बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सब अपडेट कर रखी है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो देखने वाला है कि CSIR UGC नेट जून 2020 एग्जाम इज बीइंग शेड्यूल्ड इन सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2020। तो इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी आपका CSIR UGC नेट जो कि जून 2020 में होने वाला था, तो उसका एग्जाम जो है उसे पोस्टपोन करके इन्होंने बोला है कि इसको मोस्ट प्रोबेबली वो नवंबर की सेकेंड वीक में कंडक्ट कराएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि एग्जैक्ट डेट टू बी नोटिफाइड शॉर्टली। अब जो एग्जैक्ट डेट है वो तो अभी नहीं पता है, और इन्होंने बोला है कि एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको नोटिफाई की जाएगी जैसे ही एग्जाम होने वाला होगा, उससे कुछ ही वीक्स पहले जो है आपको जो एग्जाम की डेट है वो नोटिफाई कर दी जाएगी। तो इन्होंने बस एक एक हिंट दिया है कि अगर आपका एग्जाम जो है वो नवंबर 22 की सेकेंड वीक में हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो COVID-19 के जो केसेस वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो लेट्स होप कि इसका जो फ्लैट कर्व है केसेस का वो फ्लैट कर्व आए या जो कर्व है वो डिक्रीज हो, ताकि जो एग्जाम्स हैं जैसे कि DBT का, ICMR, ये सब जो एग्जाम जो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके हैं वो सब भी एग्जाम कंडक्ट किया जा सके। तो आई होप, मुझे लगता है कि नवंबर की सेकेंड वीक में जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये जो है वो सेशन वो डिले होता चला जा रहा है, तो आई थिंक कि जो एग्जाम है वो आपका नवंबर की सेकेंड वीक में ही हो जाएगा। अब बात करें अगर हम एग्जैक्ट डेट की, तो एग्जैक्ट डेट तो अभी नोटिफाई नहीं की गई है, तो मुझे लगता है कि जो एग्जाम डेट है वो आपको 10 to 12 days पहले ही नोटिफाई की जाएगी। अब जो इसका ऑफिशियल जो एग्जाम डेट है वो आपको CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, या NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, या UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आई होप कि आपका जो एग्जाम है वो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में हो जाए, ताकि आपको जो आपका ईयर है वो वेस्ट ना हो, अगर और आप जो अपना एग्जाम है वो अच्छे से दे पाए। तो एग्जाम की तैयारी करते रहिए, तो आई ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो नवंबर तक आपके अच्छे से हो जाए। रिवीजन भी आप कर लीजिए ताकि जो आपका प्रिपरेशन है वो फुल रहे, ताकि जब भी एग्जाम हो इसका नवंबर की सेकेंड वीक में तो आप उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर रहें। तो यही मेरा छोटा सा अपडेट था रिगार्डिंग द नेट जून 2020 एग्जाम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।